बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जिस सिमुलेशन के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं वो उसके नाम से जाहिर है, फॉल्ट एनालिसिस ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग मैटलैब सिमुलेशन। ये एक वीडियो है जो कि अवेलेबल इंटरनेट पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी है। तो ये अपने किसी इस ख़ास स्पेक के तौर पे, तो इस सिमुलेशन का जो मकसद है वो फॉल्ट एनालिसिस और करना है, थ्री फेज फॉल्ट एनालिसिस। लेकिन ये ख़ास तौर पर सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के लिए नहीं है, सिंपल सर्किट के लिए भी बन सकता है, लेकिन मैं ऐसे कंसर्न जो है वो ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखूँगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सिमुलेशन को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थ्री फेज सोर्स के ऊपर। थ्री फेज सोर्स आपकी नज़र आ रही होगी, ये आप सर्चिंग ऑप्शन, ये इससे प्रीवियस जो हमने करी है सिमुलेशन वीडियो रिकॉर्ड, उसमें डिटेल सारी दी हुई है कि हम किस तरीके से इन यूटिलिटीज़ को, सोर्सेस को, रिलेस को और दीगर चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही आपको जाके थ्री फेज सोर्स को सर्च करना है। कहाँ पे सर्च करेंगे? मैटलैब को ऑन करने के बाद, मैटलैब को ऑन करने के बाद आप उसमें लिखेंगे सिमुलिंक, और अगर आपको सिमुलिंक नहीं मिलता तो मैटलैब के किसी एक ऑप्शन में यहाँ सिमुलिंक कहीं लिखा हुआ होगा तो उस पर क्लिक कर लेंगे आप। क्लिक करने के बाद सिमुलिंक की विंडो खुल जाएगी, वरना कमांड विंडो पर सिमुलिंक लिखने के बाद सिमुलिंक का डायलॉग बॉक्स की GUI ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, ये GUI ओपन होने के बाद आपको करना ये है कि सर्चिंग ऑप्शन में जाके थ्री फेज सोर्स, जैसे इसे प्रीवियस वीडियो में वो भी थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन की स्पेक्स के ऊपर ही हमने आर्टिफिशियली फॉल्ट क्रिएट किया था, उसकी तरह ही बिल्कुल आपको सर्च आउट करना है इन ब्लॉक्स को। सो थ्री फेज सोर्स को आप यहाँ देख रहे होंगे, जिसमें सोर्स, उसकी रेजिस्टेंस और उसकी ये इम्पिडेंस दी हुई है। इन तीनों को यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ ABC लाइन है, ये सोर्स आपकी थ्री फेस लाइन निकल कर थ्री फेस ब्रेकर में जा रही है। तो ये थ्री फेस ब्रेकर आप सर्चिंग आउट ऑप्शन में जाके सर्च करेंगे और वहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। जब फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल ये इसी तरह नज़र आएगा, ABC लाइन और यहाँ पर स्मॉल ABC लाइन, इनकमिंग आउटगोइंग। और अगर कोई फॉल्ट अकर होता है तो ये इसमें जो कॉइल लगी हुई है ये सर्किट ब्रेकर को ऑफ करवा देती है। फर्दर मोर इसके बाद हमारी एक और लाइन लगी हुई है जो कि थ्री फेज VI मेजरमेंट है। ये बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है जो हमने प्रीवियस सिमुलेशन की थी, उसके अंदर भी VAB यानी वोल्टेज ऑफ थ्री फेस लाइन के यहाँ से लेके हमने मक्स के ज़रिए से तीन अलग अलग वे फॉर्म पे स्कोप पे हासिल कर लिए हैं। और करंट के नेचर में अगर हम बात करें तो ABC करंट तीन वे फॉर्म में हमें हासिल होगा, जिसको हम स्कोप पे यहाँ पे हासिल कर रहे होंगे। तो ये आपकी VI कैरेक्टरिस्टिक मेजर हो रही होगी इस मेजरमेंट के अंदर, थ्री फेज मेजरमेंट के अंदर। फर्दर मोर इसे लेके हम यहाँ पर थ्री फेज RLC लोड में लगा देंगे। प्रीवियस और इस सिमुलेशन में ये फ़र्क के इन दोनों के दरमियान एक पाई मॉडल लगा हुआ था, जिसको हमने एलिमिनेट करके यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट को लोड से कनेक्ट कर दिया है। मेजरमेंट को लोड से कनेक्ट करने के दौरान ही हमने एक आर्टिफिशियली फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट क्रिएट करने का एक ब्लॉक सर्च आउट करके हासिल कर लिया है। ये भी बिल्कुल सिमिलर है लास्ट सिमुलेशन की तरह। और इसकी वेव अगर आपको हासिल करनी है तो इसके ऑप्शन में जाकर ये चौथे ब्लॉक को हासिल करके इसको स्टेप में दे सकते हैं। स्टेप में इसको देने का मकसद ये है कि स्टेप से मुराद ये है कि अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन को जानते हैं जो कि 0 पे 1 होता है और 0 on 2 1 रहता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं इसकी सेटिंग में जाके। सिग्नल सिस्टम्स में आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन स्टेप सिग्नल की क्या होती है, तो उस स्पेक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप के अंदर आपको फॉल्ट अगर देना है या फिर मल्टी स्टेप्स में आपको देना है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे लाके चेंज कर सकते हैं। तो फर्दर मोर ये कनेक्ट करने का सिर्फ आखिरी ब्लॉक हमारा रह गया जो कि रिले का है। रिले को आप देख रहे होंगे, IN1, IN2, IN3 है रिले और एक आउटपुट एक है इसमें से। इसका मकसद क्या है कि अगर आप करंट, क्योंकि जैसे ही फॉल्ट अगर होता है आपकी लाइन में, तो फॉल्ट मिसाल के तौर पे आपने ABC का एक लाइन में फॉल्ट क्रिएट कर दिया, दो में कर दिया, या एक साथ तीन में फॉल्ट अकर कर दिया, तो फॉल्ट अकर करने के बाद आपका ये फॉल्ट करंट की सूरत में, शॉर्ट सर्किट करंट की सूरत में मेजर किया जा सकता है, मेजरेबल होगा। तो इस करंट की वेव फॉर्म में तब्दीली आएगी, इस करंट की वेव फॉर्म में जो भी तब्दीली आए, चाहे वो ए फेज़ में हो, बी फेज़ में हो या सी फेज़ में हो, इसका एक रिजल्ट अगर फॉल्ट आता है तो वो फीडबैक होके कॉमन कॉइल ऑफ
थ्री फेज सर्किट ब्रेकर में जाएगा। तो यहाँ पर फॉल्ट अगर होने के बाद यहाँ पर डिटेक्ट होगा और ये सर्किट ब्रेकर लाइन को सोर्स से मेजरमेंट की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को इंटरप्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपको एबनॉर्मलिटी यहाँ से हासिल हो जाएगी, एबनॉर्मल सॉरी यहाँ से इंटरप्शन आपको फील हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जा पाएगी। सो इस सिमुलेशन को यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ तक आई थॉट कोई सवाल किसी का नहीं होगा और सिंपल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग हमने फॉल्ट एनालिसिस के तौर पे थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन की है, तो इसमें सबसे पहले हमारी जो सोर्स लगी हुई है इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। और इन करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम सबसे पहले जो हमारी सोर्स है उसको, जैसे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, सिंपल तरीका यही है कि आप सर्च ऑप्शन में जाकर थ्री फेज सोर्स को सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बता रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल सोर्सेस में जाकर थ्री फेज सोर्स को हासिल कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। फर्दर मोर अगर इसको हम आगे देखें तो डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ अगर देख रहे हैं तो 11 केवी की ये थ्री फेज सोर्स है, आरएमएस वोल्टेज 50 हर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी है, फेज एंगल की कोई तब्दीली नहीं है, जीरो के ऊपर है, और इसमें इंटरनल कनेक्शन वाई टू ग्राउंड भी दिया हुआ है, और थ्री फेज शॉर्ट सर्किट का जो वोल्ट पावर लेवल है वो 500 मेगा वॉट है, और जो बेस आरएमएस फेज टू फेज है वो 11 केवी है, और एक्स टू आर का जो रेशो बाय डिफॉल्ट 7 होता है वो सेम ही रखा है। ये करेक्टरिस्टिक्स चेक करने के बाद, मेजर करने के बाद हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। अगर हम इनको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हम चेंज करके इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये चीज़ें देने के बाद हम ब्रेकर की तरफ आएंगे, और ब्रेकर में अगर आप देखें तो ब्रेकर में आपके इनिशियल स्टेटस जो है वो क्लोज का होगा, तो और स्विच जो है ए बी सी, अगर किसी एक को आप ऑफ करना चाहते हैं तो वहाँ से लाइन आगे नहीं जाएगी, तो ए बी और सी के जो फेजेस ऑफ सप्लाई करने के लिए आपको उनको चेक करना होगा, चेक मार्क लगाना होगा, और साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर की जो रेजिस्टेंस है आर ऑन कहते हैं इसको, तो आप इसको 0.01 कह देंगे, और स्नबर रेजिस्टेंस जो है वो 1 मेगा तक है, जिसको इसकी ऑपोजिशन रेजिस्टेंस कहा जाता है, और स्नबर कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पे इन्होंने कोई रेटिंग नहीं रखी है। तो फर्दर मोर इसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो सर्किट ब्रेकर की करेक्टरिस्टिक्स जो हमने यहाँ ऑब्जर्व करी है, और ख़ास तौर पे अगर आप ये देखें तो फीडबैक जो रिले का है वो सर्किट ब्रेकर पे ही आ रहा है, क्योंकि फीडबैक रिले ऑब्जर्व करके देगी ही सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ही इंटरप्ट करवाता है आपके इन टर्मिनल्स को। तो फर्दर मोर इसमें आगे बढ़ने के बाद हम मेजरमेंट जो कि वीआई मेजरमेंट है आपकी, इसको अगर आप देखें तो वोल्टेज मेजरमेंट फेस टू फेस करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ हमने इसमें हाईलाइट नहीं की हुई, तो ये सिंपल मेजरमेंट है, इसमें कोई तब्दीली हम नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सिलेक्ट कर ली जाती है और इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे मक्स के ब्लॉक हैं जिसको तीन तीन की सूरत में बढ़ाया गया, इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगल दो होते हैं, तीन कैसा करा जाता है, डबल क्लिक करके आप दो से तीन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ देखें तो ये आरएलसी सीरीज पैरामीटर्स हैं जो कि लोड के हैं, तो लोड के अंदर अगर आप देखें तो नॉमिनल वोल्टेज जो है वो 11 के वी है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, बाय डिफॉल्ट 60 होती है, उसको 50 करना ज़रूरी है। एक्टिव पावर जो आपकी वो 200 मेगा तक इसकी रेंज है कि ये मेजर कर सकता है, एक्टिव पावर जो है 200 मेगा तक इसमें सस्टेनेबल हो सकती है। अच्छा जी, इंडक्टिव ये इसको वेरी भी कर सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो QL जो है आपकी VAR वो 100 है यहाँ पर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो 0 है, तो इसको भी आप वेरी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सब करने के बाद ये स्पेक्स हमने प्रोवाइड की हैं RLC सीरीज लोड की, जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड की हैं। अच्छा, लोड फ्लो जो है वो कॉन्स्टेंट Z के तौर पर आप पढ़ेंगे, जो कि इम्पेडेंस की सूरत में देते हैं। फॉल्ट का जो ब्लॉक है हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो जो फॉल्ट का ब्लॉक हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ये आर्टिफिशियली फॉल्ट सिस्टम में क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो थ्री फेज फॉल्ट का जो ब्लॉक है, इनिशियल स्टेटस जो है 0 0 0 है, फॉल्ट अगर आप किसी एक में करना चाहते हैं, जैसे इसमें ग्राउंड प्लस थ्री फेज दिया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल वगैरह बताई थी, और फॉल्ट रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन सेम ही है जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं, तो कोई खास चेंजेस नहीं है। फॉल्ट अगर आप किसी में नहीं क्रिएट करना चाहते, जैसे इसमें चारों लाइन में फॉल्ट क्रिएट किया तो उसके साथ ही इंटरप्शन आएगी, और
वो एबनॉर्मलिटी एक साथ ही ऑब्जर्व होगी। स्टेप का जो ब्लॉक है, अगर आप इसको देखें, डबल स्टेप को यहाँ से देखें, यहाँ पे अवॉइड किया गया है, और अगर ये नहीं लाइन आती तो डबल क्लिक करके इस ऑप्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो फॉल्ट आपने यहाँ पे स्टेप के तौर पे आप प्रोवाइड किया है। स्टेप की जो रेटिंग है वो 0.1 स्टेप का देंगे आप, यानी इतने सेकंड तक का स्टेप आपको देना है, और इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आप स्टेप कितनी वैल्यू का देना चाहते हैं, तो वो वेरी भी हो सकता है। तो फर्दर मोर हमारी जो स्कोप है वो यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है। स्कोप के अंदर आप इसको 1 से 3 कैसे बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। ये भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। रिले के स्पेक्स को, अच्छा रिले के अंदर जाके अगर इसके चीज़ों को देखना चाहते हैं वो इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिले नज़र आएगा कि इसमें जो है वो ये इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होता है, ये रेटिंग के बाई डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम इसमें बना हुआ है, इसको चेंज करना ज़रूरी नहीं है। रैशनल ऑपरेटर आपके हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, फिर यहाँ कंडीशन चेक की जाती है, और वो कंडीशन में जो आउटपुट है वो आर एस फ्लिप फ्लॉप को दिया जाता है, जिसका एक आउटपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग होता है। आर एस फ्लिप फ्लॉप फर्दर ये स्टेजेस आपको यहाँ पे कंपेयर करके प्रोवाइड करते हैं एंड गेट पे। एंड गेट की लॉजिक आपको पता होगी, सारे वन होते हैं तो फिर आगे हो जाता है। फिर फर्दर डबल का स्ट्रक्चर है जिसको आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसकी सेटिंग को भी आप चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ हुआ है तो वो भी आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो तब्दील नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट रिले के ऑपरेशन को वैसे ही चलाया जाता है, वो कोई खास रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है जिसके अंदर रिले की आप सेटिंग को फर्दर चेंज करते हैं, पैरामीटर को चेंज करते हैं, लेकिन आउटपुट यहाँ से 3 इनकमिंग के बाद आउटपुट एक हासिल करते हैं कि किसी एक में भी अगर वो ग्रेटर देन वैल्यू से ज़्यादा रेटिंग आ जाए, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन है 30 टू दी पावर 30 किलो है, ये 30 किलो की रेटिंग से अगर ऊपर चला जाता है, ये कंपैरिजन कोई कांस्टेंट है, इसके ज़रिए से कंपेयर करके बताया गया कि अगर इससे रेटिंग बढ़ जाती है तो वो शॉर्ट सर्किट काउंट किया जाए, और फिर यहाँ से किसी एक में भी वो फॉल्ट अगर हो जाता है या सिग्नल अगर हो जाता है तो इसका आउटपुट वो ब्रेकर को फीडबैक के तौर पर प्रोवाइड करते हैं। अब ये गेट भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ये लॉजिक अपने तौर पर भी बना सकते हैं, जैसे कि ये नज़र भी आ रही है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईसी के साथ रिले का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल उस तरह से ही है। तो ये आर एस फ्लिप फ्लॉप हमने 3 लेके ये रिले का इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया। तो फर्दर हम रिले से हम बाहर आते हैं, और ये करने के बाद इन सिमुलेशन को रन करना ज़रूरी है। सिमुलेशन रन करने के लिए हम इसके रनिंग ऑप्शन में 0.3 लिखेंगे, जैसे प्रीवियस हमने सिमुलेशन को रन किया था। 0.3 सेकेंड तक इसको रन करने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 0.3 सेकेंड के ऊपर ही आपकी वेव सही तौर पर नज़र आ सकती है। रन करने के बाद हम जो स्कोप है उस पर सिग्नल हासिल करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये पहले करंट की वेव, दूसरे करंट की वेव, तीसरे करंट की वेव। तो जैसे ही सिग्नल आपका कांस्टेंट चल रहा था, जैसे ही फॉल्ट आया, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट बन गया। अगले फेज में शॉर्ट सर्किट बन गया, और तीसरे फेज में भी शॉर्ट सर्किट बन गया। तो ये शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये रिजल्ट्स हैं जो हमें वेव ऑफ द स्कोप पे हासिल हो रहे हैं। 3 फेज है तो 3 वेव के ऊपर, और हमने अगर आपको याद हो तो फॉल्ट जो आर्टिफिशियल क्रिएट किया है वो तीनों फेज में ABC में क्रिएट किया है। तो इन तीनों की अकरेंस ऑफ फॉल्ट हमें तीनों वेव पे नजर आएगी। अच्छा जी, इन फॉल्ट की फॉल्ट कंडीशंस को आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टेप का इम्पैक्ट चेंज करने से फॉल्ट के नेचर पे क्या तब्दीली होगी वो भी आप बिल्कुल इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने 0.1 स्टेप रखा था, 0.1 सेकेंड के इम्पैक्ट के, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो फिर फॉल्ट का लेवल भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाएगा। फिर ये कंपेयर इससे हो रहा है, ये जो कांस्टेंट नंबर है आपका, इससे कंपेयर होने के बाद आपको रिजल्ट हासिल हो रहा है। तो इसकी वेरिएशन को आप तब्दील इस वेरिएशन को आप तब्दील करके अपने तौर पर वेरी कर सकते हैं चीज़ों को, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, 0.1 सेकेंड के बाद फॉल्ट नहीं मिला, क्योंकि हमने सिर्फ उसका फॉल्ट की अकरेंस ही इतने कलील वक्त के लिए दी थी, तो सिर्फ इतने कलील वक्त की फॉल्ट अकरेंस हमें मिली है। इसके बाद फॉल्ट नहीं है, क्योंकि स्टेप की जो वैल्यू है हमने कम वक्त की रखी थी। तो उस छोटे से लम्हे के अंदर जो फॉल्ट तीनों लाइन ग्राउंड के साथ एक साथ फॉल्ट अगर आपने करवाया है, उसके नतीजे में ये अब्रप्ट चेंज एकदम सिग्नल में आया है, और उसके बाद वो बिल्कुल जीरो हो गया। क्योंकि जीरो क्यों हो गया, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया है आपका, इसीलिए उसके बाद सिग्नल आपको नहीं मिल रहा। तो ये जो वेव फॉर्म है ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और 3 फेज तीनों वेव फॉर्म के अंदर आप देखें 90 डिग्री आउट, 120 डिग्री अपार्ट ऑफ ईच अदर है। तो ए वोल्टेज वेव फॉर्म, बी वोल्टेज वेव फॉर्म, और सी वोल्टेज वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी। जैसे ही फॉल्ट यहाँ पर अकर होता है तो वोल्टेज में फॉल्ट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट
उसका नज़र नहीं आता, करंट में ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि वो करंट शॉर्ट सर्किट करंट बन जाता है, और शॉर्ट सर्किट करंट जो है नॉर्मल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट करंट में ही नज़र आ सकता है, वोल्टेज में नहीं नज़र आता। तो यही वजह है कि हम जो भी वेव फॉर्म लेते हैं वो आपको करंट की वेव फॉर्म ही शॉर्ट सर्किट के नतीजे में नज़र आती है। इस इम्पैक्ट को अगर आप ज़्यादा के तौर पर देखना चाहते हैं तो स्टेप की वैल्यू को आप बढ़ा दें तो फिर फॉल्ट की अकरेंस भी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये जो सिमुलेशन है ये समझ आई होगी, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन आपको इससे पहले जो मेरी पहली थ्री फेज फॉल्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन की मैंने आपको चीज़ बताई थी विदाउट एनी डिले, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी हमने वेव की सूरत में ही, करंट की सूरत में ही अगर फॉल्ट अगर होता है आर्टिफिशियली क्रिएट करने के बाद तो किस तरीके से वो ऑपरेशन किया जाता है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया था। अगर इस सिमुलेशन के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन adilkhanpakistan@gmail.com ऑन माई ईमेल एड्रेस, और CR के ज़रिए भी आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं अगेन ये बात कहूंगा कि आप लोगों का जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसके बारे में ज़रूर सोचें, सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हवाले से कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो आपका है उसके लिए ग्रुप बनाएं और एटलीस्ट अपने आइडिया ज़रूर सोच के मुझे मेल कर दें, क्योंकि जब हम मिलेंगे तो तकरीबन हम एंड कर रहे होंगे सेमेस्टर को होपफुली, तो आपका उस वक्त भागम थोड़ी ना मचे, उससे पहले ही आप सोच चुके हों कि आपका प्रोजेक्ट क्या करना है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कुछ आइडियाज़ मेरे पास भी हैं, मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हवाले से। और हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि अभी FIP देने वाले हैं तो कोशिश करें अपने प्रपोज़ल के हवाले से उसके आइडियाज़ जो FIP के हैं उसको आप सेलेक्ट करना शुरू कर दें, आइडियाज डिसाइड कर लें, फाइनलाइज़ कर लें, अपने सुपरवाइज़र या अपने जो भी सीनियर टीचर हैं उनसे डिस्कस ज़रूर करें और FIP को सिलेक्ट कर लें इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि FIP के आपके पास जो है काफ़ी टाइम आपको मिल चुका है कि इस वक्त आप डिसाइड कर चुके होते, तो होपफुली अपने FIP को ज़रूर फाइनलाइज़ कर लें। नहीं कर चुके तो कम से कम अपने जो रिस्पेक्टिव टीचर हैं उनसे FIP के हवाले से आइडिया ज़रूर डिस्कस करें, और कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो को हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।